फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो फ्रेंड्स, अभी जस्ट हम लोग ये टेंपल से निकले। ये शिव जी का टेंपल है। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम में। सो फ्रेंड्स, ये म्यूजियम है साउथ इंडियन के सबसे रिच मैन का। जी हाँ, जो सबसे अमीर आदमी कहे जाते हैं साउथ के, तो रेवी करुणाकरन, जी हाँ यही वो हैं। उनके डेथ के बाद उनकी वाइफ जो है तो वो यही म्यूजियम चला रही। तो उनके जितने भी एंटिक पीसेज हैं, जितना वो यूज़ करते थे मतलब उस समय में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग इसे देखिए, एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, म्यूजियम के अंदर जाने के लिए आपको 200 का टिकट कराना पड़ता है। 200 का टिकट मिलता है तो उसके बाद आप लोग अंदर जा सकते हो। तो ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत सा म्यूजियम है। और हम लोग ज़्यादा फ़ोटो नहीं ले पाए क्योंकि कुछ जगहों पे फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था, तो हम लोग ने बहुत कम ही वीडियो लिया है जो सारी चीज़ें, लेकिन बहुत खूबसूरत है। आप लोग देखो, जितने भी चीज़ें देख रहे हैं ना, जितने सामान हैं वो उन्हीं के घर में जो यूज होता था वही सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। सारे सामान बहुत ही यूनिक थे और सारे सामान बाहर फॉरेनर से मंगाए गए थे, फॉरेन से। तो बहुत ही यूनिक यूनिक सामान था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आप लोग कभी एलपी आते हो तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा लगता है। लगता है कि आप बहुत पहले ज़माना में चले गए हो। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई है, तो आप लोग ज़रूर आना यहाँ। Thank you.
कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखा रही हूँ, देखिए यही है रेवी करुणा करण जी, हाँ इन्हीं का सारा सामान है। सो फ्रेंड्स अभी हमारा चल रहा है केरला ट्रिप का व्लॉग, अभी जितनी व्लॉग आ रही है तो इन्हीं की आ रही है। अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं, बाय।